पीएम मोदी ने झारखंड के चाईबासा में जनसभा को किया संबोधित, विरोधियों पर जमकर साधा निशाना, कहा जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी आदिवासियों का अपमान करती है। चाईबासा में बोले पीएम मोदी, चंपई सुरेन का भी इन लोगों ने अपमान किया, पीएम ने चंपई के अपमान को कोल्हान का अपमान बताया। झारखंड दौरे पर पीएम मोदी ने गढ़वा में भी चुनावी रैली को किया संबोधित, बोले झारखंड में डबल इंजन सरकार बनना तय। पीएम बोले आने वाले 25 साल देश के लिए महत्वपूर्ण, झारखंड की जनता का आशीर्वाद जरूरी। मुंबई में शरद पवार के घर पहुंचे उद्धव ठाकरे और संजय राउत, महाविकास अघाड़ी के साझा घोषणा पत्र और बागी उम्मीदवारों को लेकर मंथन। विधानसभा चुनाव को लेकर बोले संजय राउत, हमने 99 पर या 105 सीटों पर चुनाव लड़े, ये हमारा मकसद नहीं, हम महाविकास अघाड़ी के तौर पर लड़ेंगे चुनाव। यूपी के पोस्ट वॉर में अब छात्र नेताओं की एंट्री, बीएचयू छात्र नेता और बीजेपी युवा मोर्चा सदस्य विवेक सिंह ने बटेंगे तो कटेंगे के तर्ज पर लगाए पोस्टर। ब्रैम्पटन हमले पर भारतीय उच्चायोग ने जताई नाराजगी, कहा मंदिर में उच्चायोग का शिविर चल रहा था, भारत विरोधी ताकतों ने की हिंसा। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर पीएम ट्रूडो का बयान, कहा कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमला अस्वीकार्य। यूपी विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव, अब 13 की जगह 20 नवंबर को वोटिंग, कई त्योहारों के चलते चुनाव आयोग ने तारीख बदली। केरल और पंजाब उपचुनाव की तारीख भी बदली गई, दोनों राज्यों में अब 13 की जगह 20 नवंबर को होगा मतदान। महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाया गया, चुनाव आयोग के ट्रांसफर का दिया आदेश। दिल्ली में आतिशबाजी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, प्रतिबंध के बाद भी पटाखे कैसे चलाए गए, कोर्ट ने पूछा पटाखे बैन का आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी।